हकीम बादशाह असीं तां तेरियां पब्लिक सिटियां करदे फिरदे आ। चाचे खां ते करनियां ही आ, मैं तां अगला तजर्बा भी तैयार कर लिया। की कीता? चाचे खां रंग चिट्टा करने वाली क्रीम बना ली है। हैं? हाँ। ओ तेरी खैर होई हकीमा। नहीं नहीं, कोई मुनासिब काला होवे तो वो चिट्टा होना वा, ये तो नहीं हो सकता वीरे खां। यार मेरी गल सुन हकीम, जे सियाणी उम्र दा बंदा चिट्टा होना चाहे तो हो सकता है? ओनू फिर को बुढ़ी क्रीम देनी पैनी मैनू। आप क्रीम भी दे दे। हकीमा बड़ा बड़ा मसला यार। अच्छा जी। मेरा ब्याह नहीं हुण रिहा। तेरा ब्याह नहीं हुण रिहा? बिल्कुल सही जगह ते बह गया, हुण हो जाएगा तेरा। एदा पहलो ब्याह होया सी। अच्छा। एदी बुढ़ी गूंगी सी, इनू वेख के बोल पई कहंदी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एदा ब्याह होया सीगा। अच्छा। एदी बुढ़ी इनू कहंदी भा सुना किदा ठीक है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਲੈ ਬੇਟੇ ਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਲ ਲੈ। ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾ ਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈ? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जानी की चाय मार्केट। हाँ हाँ। आप हमारे साथ लाइव आ रहे हैं, आप मैं आपको तारुफ करता हूँ, ये हमारे नोनी साहब कैमरे का काम करते हैं। हाँ जी, और माशाल्लाह। हेलो हेलो, ओके, ये चाचा जी हैं। नाज़रीन, इलेक्शन पड़ गए पूरी पाकिस्तान में। हाँ। इलेक्शन का रिजल्ट आपको बताते चले, NA 171 में सिकंदर सनम बेवफा 185,971 सीटों के साथ पहली पोजीशन पे, और जनाब यूसुफ ककेजई ये जनाब 2,003,4,578 के और 4 सब्सक्राइबर हो गए इनके, और ये दूसरी पोजीशन पे हैं। वाजी वाजी। हकीम साहब इलेक्शन पे खेलते थे, हकीम साहब का रिजल्ट मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। नाज़रीन, मैं और चाचा रिजल्ट अनाउंस करेंगे हम सबके, जो हम इलेक्शन में खड़े थे। बिल्कुल। चाचा जी इधर बोलना जी, ठीक है? हेलो जी चाचा जी, आप सबसे पहले नोनी का रिजल्ट जरा हमें बताएं। नोनी का रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी इसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। नोनी के जो स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं जो स्कोर, 26 गेंदों पे 39 वोट पड़े हैं इनको। वाह जी वाह, ठीक है जी। और ये क्लीन स्वीप होते नजर आ रहे हैं इनके मध्य मुकाबल, मेरा ख्याल है उधर बांग्लादेश में कैंडिडेट खड़े हैं जिनके साथ इनका मुकाबला है। हाँ। उनके वोट हैं जनाब 169,491,000। वाह वाह जी वाह, वो आगे हैं ये पीछे हैं। आ, 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 मेरी क्रीम दा भी बिच कह देना जरा। नाज़रीन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। रंग गोरा करने की क्रीम, हकीम फरीद खान है रंग गोरा करने की क्रीम। वाजी वाजी, अब लाइए पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा खुशामदीद उसमें पोलिंग में। हमारे इलेक्शन सबसे तेज रिजल्ट हमारा चैनल दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले हकीम का रिजल्ट आपको सुना दे। जी। हम के हकीम की दवाइयों का तो कख भी रिजल्ट नहीं है। हम की हकीम साहब इलेक्शन पे खड़े थे और इनके मध्य मुकाबल कोई भी नहीं खड़ा था, फिर भी ये 14 वोटों से हार गए। लो जी नाजरीन, फिर जानी खा भी इलेक्शन पे खड़े हुए यार। आप इधर इधर। हाँ हाँ, लो जी थे जी। जानी खान किसी ने क्या निकलो वतन की खातर, डेरा गाजी खान निकल गया। नाजरीन हमारे जो चाय वाला है, चाय वाले का रिजल्ट आपको अनाउंस करते हैं जनाब। इनका था हल्का
फुल्का। बोलना हल्का हल्का। हाँ नहीं हल्का हल्का सरूर है ये, इस हल्के से खड़े थे जो हल्का हल्का सरूर है। हाँ जी हाँ जी, सब तेरी संदूकड़ी का कसूर है। हाँ जी, ये दो कैंडिडेट थे और भलेखे से ये दोनों इको ही पार्टी की तरफ से आपस में मुखालफ खड़े हो गए। तो इनमें से जो इन्होंने फिर वोट आधे आधे कर लिए। इन्हें कहा भी कितने हो ये सारे, उन्हें कहा जी ये 3000 वोट पे आ, उन्हें कहा 1500-1500 करो दोवे। इन्हें दोवे ने फिर एक सियाणा बंदा भेज पाया, उन्होंने दी गल मकाई 1500-1500 वोट करके दोवे बराबर दे मुकाबले ते आ गए। लो जी वाह 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 वाह, नाजरीन इन्हू भी कोई वोट नहीं पिया ते एदे मुखालफ नु भी कोई वोट नहीं पिया, जीरो। हां खबरों ते पट्टी चल रही जीरो वोट के और साथ। वो जो है एक मिनट जी, इन्हें भी भाजी इलेक्शन लड़ना सी हो। एक मिनट इसका लेवल कम कर लेना, तू ऊंची बोल रहे हो जी। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਕੋਚ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਕਪੂਰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, बहुत टफ मुकाबला हुआ है पूरी मार्केट में, सबसे ज्यादा टफ मुकाबला इलेक्शन का अगर हुआ, जहां पे ये था कि भी पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या होने वाला है, वो था कपूर का। कपूर का जो मुखालिफ था उसको जीरो वोट पड़े, फिर और कपूर उसके मुकाबले में सिफर वोट डलवा के आगे है। समझ नहीं आई जी, सिफर इनू पे आई ओनू, ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ? ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਫਰ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਫਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਸਿਫਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਕੀ, ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਾਣੇ ਕਾ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਗਾਣੇ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਇੰਜੋਏ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਵਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਹਾਣ ਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ। ਵਕਤ ਹੈ ਖਬਰਨਾਮੇ ਕਾ, ਚਾਚਾ ਆਪਕੋ ਖਬਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਕੀ ਬੁਲਟਨ ਕਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਿਦਾ ਅਸ਼ਰਫ। ਨਿਦਾ ਅਸ਼ਰਫ, ਨਿਰਾ ਅਸ਼ਰਫ। अच्छा नीरा अशरफ। हाँ। ओहो नीला नीला अशरफ जी। 9 बज गए हैं, सबसे पहले खास खास खबरें। अच्छा। मुल्क भर में इलेक्शन के नतीजे का सिलसिला शुरू और हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सत्याजनी साहब, हमारे सीनियर तजिया नगार, उनसे बात करेंगे। आइए आपको कोयटा ले चलते हैं। क्या सूरत है यहाँ की? अला मजबूर अला सहारा अला असबी अरबाला जजल अजल कश्मीर अला अल वजूद अला जद्दल अल पुश्त अला खाद अल पुश्त अला अल कुर्द अला अरब अला अरब अला अरब अला अरब। ये जी कोयटा की अरबी थी। जिन दल एक डॉक्टर को गया उन्हें तो मुंह काउंटर ते अंदर रख के उधर जुतियां मार ली। नाजरीन मौसम का हाल, आज लाहौर के इलाका शाहदरा में एक बीवी के हाथों खामत को हल्के हल्के थप्पड़ पड़ने की तवक्को है। कोई कार ना जाएं आज। आज और एंड पे आपको बताएं कि फैसलाबाद में 9, कराची में 14, लाहौर में 37, मालाकोट में 75 और साहिवाल में 26 मोबाइल छीने गए। माता के अंदर जा रहा रहा तो सुन लगे। यार मेरी गल सुनो, इलेक्शन तो दस दिता जी हुण, अभी खबरें चल रही, ब्रेक पे हम। अच्छा जी। हाँ। और अगला न्यूज ये है कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक बस को बिल्कुल आगे से ऐसे क्रॉस करके गुजर गई और घर जाके अपने वालदे हकीकी से जा मिले। हाँ, सही गल है। वालदे जिनका निशान फिफरा था, उन्होंने अपने 23 वोटों के साथ जूतियां खाई और हल्के कुत्ते से टांग भी कटवाई और अपने घर चले गए। वेलकम बैक, नतीजे में दोबारा खुश आमदीद। नाजरीन ये एक इंतखाबी निशान है, इसको मिला था उल्लू का पट्टा। हाँ जी, उल्लू का पट्टा इंतखाबी निशान मिला, इसको 7 वोट पड़े हैं। अच्छा। और ये ठीक आधे घंटे में अपने मुखालिफ कैंडिडेट से 38 रुपए लेके बैठ गया। वाह, 7 वोटों के मुकाबले बड़ा रेट लगा। हाँ। देखते रहिए
देखते रहिए बाजार न्यूज। हाँ जी ए, मेरी क्रीम दा विच कह दे। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। हाय दिस इज द व्हाइटनिंग क्रीम ऑफ द फार्म। वेलकम बैक नागरिक। यार जी जानी इधर लगा रहो मेरी क्रीम दा 20-25 बारी दस दे। भाई आपकी जो क्रीम है ना नादरीन, हाँ। आपकी क्रीम है जो इस पे का अच्छा यानी लगाई कालिया नु गोरा कर दी है। हाँ जी हाँ जी। ते एदे वर्गियां नु सांवला कर दी है। यानी नियर टू सांवला कर दी है। हाँ। एक सांवला नहीं हैगा चुंबरा चुंबरा सांवला। यार नहीं कह दी गल कर दे। कल फिर आपको इसी टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज उस्ताद जी। मैं माइक बंद कर रहा हूं उस्ताद जी। ओ देखो मैं एकदम टक्कर लाता जी उन्होंने। अब माइक रख दे उठे। ओ यार तू अल्लाह मुंह तो एदी वजह तो जिल्द वाले डॉक्टर पाकिस्तान चो नाकाम हो के दूजे मुल्क जाकर उन्होंने दुकाना पा लिया। अच्छा यकीन करो जो मैं क्रीम लाई ना तो बिचो जिल्द जिल्द लौर लै जो। अच्छा बनाया सोना वा और पिछे सारे कपड़े देख अपने रंग ना मैच करके इस्तरी करता। जेड़ा इहदे रंग तो थोड़ा मुखालफ रंग वाला सूट हुंदा उहनूं फड़दा ही नहीं। कहिंदा लै जाओ भाजी ये अगे अगे एक चिट्टा ड्राई क्लीनर लैगा उहदे कोल लै जाओ। इहनां रंगां च खुश रहिंदा। जिहदा लई डॉक्टर को गया उहने तां मूंह काउंटर ते इंज रख के उहदे जुत्तियां मार लई। मर्ज वाले और जिल्द वाले अंदर तशरीफ ना लाए। बंदे ने मुंह ते चपेड़ा मारिया मुंह लाल नहीं होया जामनी जे हो गया। रंग चिट्टा करन वाली इहने क्रीम अपने ला ली। डॉक्टर ने भाई परचा कराता। उन्हें क्या मैं 38 साल ला के पढ़िया इन्हें 15 मिनट च मेरी तलीम का बेड़ा गर्क कर। एक दुकान तो इन्हें रंग चिट्टा करने वाली क्रीम लई और दुकान वाले ने कंपनी का नंबर मिलाता है कपूर ले गया जे। जिस जगह ते क्रीम बनती नहीं उत्थे फैक्ट्रियां ते मजदूर काम कर रहे उत्थे जिहड़ा मैनेजर सी ना उहनूं सिर्फ फोन आया मालक दा। उहने कहा ओए कपूर ने साडी क्रीम ला ली। उहने सारे मजारे कहा बंद करो काम सही गल। डॉक्टर ने जो क्रीम बनाई है ना साइंसदाना उन्हें बूहे तो बंदा खिलारता। उन्हें कहा ध्यान करो ये ला ना लवे करो। उस्ताद जी कूड़ा स्टैंड दे बूहे के लिखिया बगैर कपूर के अंदर आना मना है। गलत क्रीम दी होंडी कितने जान रहे हैं। गल राम अरे पाजी पाजी तू तो लड़ने का यार गल पाजी यार। अच्छा क्रीम लाई आप देख ला वो स्किन ने जज़ब कर ली। सही गल तेरी क्रीम खा गई स्किन। उस्ताद जी लारी अड्डे दी बाशरू बने होंदे उत्थे जान लगा ते पैसो पहले ही देई जावे। क्यों कहंदा पहले क्यों देने कहंदा वापसी ते मेरे को खर्चे जांदे। बॉक्सिंग दा मैच खेडन चला गया उन्हें रफड़ पाता कहंदा ए जिथे मर्जी मारे मेरे मुंह ते ना मुक्का मार। बॉक्सिंग लड़ रहा दूजा पहलवान कहना तू मैं कुछ नहीं मारना ठीक है मैं एक मुक्का तेरा एक मैं अपना आप ही दोवे मारी जाऊंगा।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਚ ਗੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। जंगले च वारता इनू तो एक बड़ा दूष टैप पुआन ओनू कहा जी तुहाडे जोवां चो एक नहीं बाहर होना जेड़ा मर गया वो अंदर जेड़ा जिंदा रह गया ओही बाहर आएगा ठीक है ना। पांच क मिनट लड़िया वा इन्हें देखिया भी ये तो मैनू लै दे जाएगा ते होली जी जंगले वालों ना मूह करके जेडे अनाउंसमेंट उन्होंने कहना जी ए टोटल मरना वा या जमीर ते मर गया मेरा ते इनू कहो ठीक है ओके उन्हें पिछों मुखा मारिया ए ऐदा चीरे पै पै के ना मूह इहदा अद्धा बाहर चला गया जंगले च पाड़िया मुड़ के थल्लों दी इधरों दी हथ पा के ना उंगलां अंदर कर रहे ਐਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਭਲਵਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੱਲ ਸਾਹ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਜੇ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚ ਲੰਘੀ ਜਾਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਡਾ ਸੀ ਓ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਕੱਪ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫਟੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ 7 ਪਦੀਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ 7:37 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਤੂੰ ਓ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਸੀ ਲਾਣਤ ਪਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਧੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਸੋਈ ਬੀਬੀ ਆ ਸੀਮਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਕਾਂਡੀ ਐ ਬੀਬੀ ਯਾਰ ਹਾਏ 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 ਅਗਰ ਥੋਬਾ ਲਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਖ ਆਇਆ ਲੈ ਹਾਏ ਹਾਏ वेलकम बैक जी नाजरीन गेस्ट वाले सेगमेंट में खुश आमदी जनाब। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं फैसलाबाद के बहुत कमाल शख्सियत मजेदार शख्सियत और सबसे बड़ा जो इनका तारुफ है मेरे भाई हैं माशाल्लाह और हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट पाकिस्तान के जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया जनाब सखावत नाज साहब जो कि हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे फैसलाबाद के हैं उनके बड़े भाई भी हैं ये और पंजाबी जी कहते ना मौजी आदमी ने मतलब बई कमाल आदमी ने ते मौजी आदमी ने भी दिल कीता ते सौ गए ने नहीं दिल कीता ते चार चार दिन जाग रहे ने इंज दे दिल कीता ते दुध पी लिया नहीं दिल कीता ते रोटी खा ली मतलब ऐसी खूबसूरत परसनैलिटी दिल कीता जर्सी पा ली ना दिल कीता ते जुत्ती ला ली दिल कीता ते नौ कट ले ना दिल कीता ते वाल वधा ले फिर जे दिल कीता शेव कर ली खूबसूरत प्यार वाले और यह जो मैं छेड़ रहा ना उन्होंने ये मुहब्बत है मेरी मेरे 3-4-5 शोवों के आए ने साढ़े ही 41 वाले शो के देखोगे तुम पछाण जाओगे जनाब बाबा गुगू साहब बाबा जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जनाब बाबा जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बाबा जी कितने तुम हिडन रेंगे गैप रेंगे हो गैप कहता रहना इलाका ही इदा का गैप होने वाला माई दी झुग्गी ने पूरी दुनिया से नाम किया गुमशुदा होके गुमशुदा होके पहले गुमशुदा होना पता फिर ना होंगे हाय बाबा जी अजकल की हो रहा इन्होंने दिनों ठंड ठंड तो अलावा 3-4 पाले ही रहे 2600 ਕੋਲੇ ਫੂਕ ਗਏ
ਕਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਚ ਰਿਓੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਡਾ ਪਾਲਾ ਉਹ ਚ ਆਪ ਪਾਲਾ ਤੂੜਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੱਚ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਤਨ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਜਾਈ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੀਟਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਕੱਢਿਆ ਘਰੇ ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫੇਰ ਗਿੱਠੀ ਤੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿੱਠੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀਟ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 10-10 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬਸ ਫੇਰ ਤੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਵਾਹ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਾਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੈ ਨਾ ਸਲੋਗਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਦੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਹਾਂ 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 ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਬ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਗਾ ਪਛੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਬਰਕ ਦੀਆਂ ਲਹਿਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਬਰਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿਗਰਦ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਗਿਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਰ ਤਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ 20,000-30,000 ਵਾਲਾ ਲੇਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗੀਰਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਹਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਮੰਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਮੰਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੈਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੀ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਗੋ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਚਾਈ ਗੋਸ਼ ਹਾਂ 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 ਮਿਸਤਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ਿਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚੜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੜ ਹਾਂ 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 15 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਲਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਗਲੀਚੇ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤਾ ਪਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਕੱਢ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਨਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਚਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲ ਵੇਚਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਨੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਵਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚਾਨੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਗਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਆ ਸੀਮਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਂਡੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਥੋਬਾ ਲਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਖ ਆਇਆ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੰਮ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੀ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨੀ ਪੈਦਾ ਚਾਲੀ ਜੂਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਜੂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੂਆਂ ਚ ਪਾ ਲੋ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਜੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਜ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਜੂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਫੈਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਫੈਜ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹ ਪੁੱਠੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਲ ਪੁਲ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋਚ ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਆਗੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੈਚਰਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਫੈਨ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਟਰੀਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕੂੜਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਚ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਹਾ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਉਣੀ ਨੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲ ਵਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰਹੋ ਘਰ ਮੇਰੀ ਜੂ ਜੂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਖੂਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਚਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੇਅਰ ਆਏ ਦਰਸਤ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਬਈ ਜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਜੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ ਜਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਸੜੀ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਜੂਆ ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਟਰਨ ਕਰੀ ਦੀ ਵੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨਕ ਤੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾ
ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਲਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ
अच्छा ऊपर बैठा चीमा बैंड सिस्टम नहीं जी नहीं हकीम ने फखरे पंजाब वाले माशाल्लाह माशाल्लाह तो हुने हुने ढोल चुके ने ते फड़े भी जाने सी अच्छा बाबा जी हुने दसो भी मुल्क का जिहड़ा साडा निजाम चल रहा है इहदे बारे च कोई तुसी भी कुतड़ा अगर तुहानू वज़ीर आज़म बना दिता जाए तुसी की ते तुहानू कहीए कि बाबा जी तीन काम अपनी मर्जी दे करा लो जिहड़े कराउणे ठीक है ते केड़े केड़े कराओगे एक जुमा कढ़ाणगे एक हो गया दूसरे नू कहणगे मेरियां तखां कढ हां दो हो गए तीसरे नू कहणगे चिट्टे कढ चौथे नू कहणगे मकान टा दे मिस्त्री हाँ जी बाबा जी मिस्त्री है ना पंजाबी नू कहणगे प्लास्टर करवा लाओ अच्छा बाबा जी दसो तीन काम तुसी केड़े करोगे केड़े करवाओगे हसूलत होनी चाहिए सियाणा नू गैस सस्ता होना चाहिए अच्छा गैस सस्ता होना चाहिए गैस भी बिजली बिजली दे बिल बिलकुल कम होने चाहिए ठीक है सौण लई गर्म बिस्तरे होने चाहिए तीसरा काम यह आवाम कोई भी नाजम वजीरे आला आ रहा तो गरीब आवाम समझना चाहिए कि अल्लाह अगवा के रिज़क दे रहा असीं इत्थों मुल लैके एक दूजे नूं दे नहीं सकते लो जी गल है तिना कामां दे विच बाबा जी ने वाम दा सोचिया वाह वाह बहुत अच्छे बाबा जी बाबा जी ने नहीं कहा भी घर बना दिओ पुल बना दिओ सड़कां बना दिओ ना 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 बाबा जी ने तिना ही सवालां दा कहा कि आवाम नूं सहूलत मिलनी चाहिए इन्हां नूं वज़ीर आज़म बना ना बनायो इन्हें तकरीरी ऐदा करनी यार फाका लाका बूम बूम खत्म करो फाका लाका बूम बूम अच्छा बाबा जी तानू एक कतल करन दी इजाजत मिल जाए ये गिरद कतल करवाना तुसी जुर्म दे आर्डर ने नहीं नहीं वैसे अंदाजन अंदाजन कोई आर्डर नहीं जो मैं करा नहीं मैं अल्लाह की मखलूकात में छेड़ ही नहीं सकता नहीं जेड़ा तानू नाल बैठा मिनट के बाद वाला दी जुगता मारी जांदा ये तो शादी जी अपने शेरा सारा शेरा ला के भी एदा लगता जी गोते चढ़े आया बाजे वाले बाजे वाले बूटा जी वेला भी करो कला मैं सीमन ला रहा हूं ये भी वजीरे आला है इन्हें होर कख नहीं करना इन्हें थड़े करना लिया भी तगारी आ लै बे लै मैं पाकिस्तान दिया सारिया दराड़ा भुर दया सारिया मोरिया बंद कर देने पाकिस्तान दिया पाकिस्तान दी मैं दूजे मुल्कों भी नहीं आ रहा कोई चार चार दीवारी करती है उन्होंने कहा राजी राजी एडा वड्डा कि जिहड़ा सारा जहान पलस्तर करता है ये तो भाई इलेक्शन की रदी बेच गया दो मन टिशू तो सफेद हुंदा मरे तू किहड़ा लई आउंदा कहिंदा मैं राज आ मैं प्लस्टर करके टिशू दे रहा मैनू पता लगा जिस कमरे नू रंग कर दो कमरा भी बोलन लग पैंदा मैं कह रहा प्लस्टर अंदरों वादा दिंदा बूटिया मैनू आंदा बस मेरे ते दिहाड़ी लाउणा ही बाबा जी दसो सारे आर्टिस्ट फैसलाबादियां ने ट्राई की बाहर जाके दूजे शहरां च दूजे मुल्कां तक गए अपनी टीम बना के तुसी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं भी अपना कोई ऐसी पार्टी कोई सिंगिंग या कोई गलबात या कोई लाहौर किसी चैनल से जाके बवा या इस तरह का क्यों नहीं सोचा तुसी कुछ मैं सोच रहा काम जिथे मैं किया मैं सच्चाई नाल काम किया ठीक है क्या की क्लासिकल मैं की है ओके फंक्शन तो बाद दिहाड़ी मेरे फंक्शन तो ला दें बंदे ओए तुहाडे फंक्शन दे विचों किहड़े बंदे अपने होंदे कि कोई होर जिहड़े म्यूजिशियन मेरे वो भी चोरी कर रहे हैं दूसरे बंदे भी चोरी कर रहे हैं ओए होए ऐ तो बहुत धोखा लगा अपने ही चोरी कर रहे अपने ही अपने मैं 28 म्यूजिशियन बदल बैठा ओए चोरी दी वजह तो किसी ने 7000 लको लिया किसी ने 5000 ये क्यों इदा करदे ने बचो बाहर मिलदा नहीं ना ना कोनो ले जांदा ही है मैं भी मजबूरी ने राज समझ के ले जन्ना ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਗੈ ਕੀ ਆ ਰਾਜਗਿਰੀ ਨਹੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਗੈ ਕੀ ਕਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗੀ ਚ ਆਏ ਹੋ
बाबा जी ने मैं देखा कि भी जो तो मैं शुरू किया ना रोड शो पहलिया पहलिया शोवा च बाबा जी दो तीन शोवा च मेरे नाल आए थे और वो साडा की पेंडा हुंदा सी भी असी कित्थे कित्थे गलियां महल्लिया च जाके लोगों ने दसिया भी ए आर्टिस बच्चे इत्थे हैगे ने अच्छी गल करन वाले क्यों नहीं है ना और अज उन्होंने दुनिया जानती है बेशक। अच्छा बाबा जी ये दसो गोरिया नाल तुसीं गल कीती इंग्लिश ओ जरा साडी नादरी नूं सुनाओ भी की उदों बणिया सी ओ गल कि बरीक गल सी की पिंडा तो बंदे भी बड़े बड़े बरीक आदमी ने हाँ मैं पिंड च चला गया तो कहते यार आप तलीम कितनी है मैं जी ग्रेजुएट हाँ क्या आप इंग्लिश जानते हैं मैं जानता हूँ हाँ बिल्कुल उनके यार शानी पंजाबी बंदे पिंड वाले बल्ले 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 इदा गल करते हैं हाँ तू तो नॉलेज वाला बंदा है यार को पढ़िया लिखा बंदा तो जे तुम साढ़े कुछ रवो मैं मैं महीना को थोड़े को रह लैंना हाँ तो जे तुम इंग्लिश जानते हो मैं इंग्लिश भी जानते हो उर्दू भी जानते हो उर्दू मैं जमाया मैं पूरा निकलिया हाँ जो तो इंग्लिश मैं उन्होंने सुनाई इंग्लिश व्हाट्स द टाइम 3:03 ओए वाह वाह मैं यही कमन सर यस सर ओए 3:03 आई लव यू वाह 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 पागल हो गए तो पागल हो गए गायब हो गए उन्होंने कहा खान साहब तुसी साडे पसंद हो हां सानू अंग्रेज दा फोन आया साडे लगा रहे ने तगारी थले रख दे तू मैनू कांडी फड़ाई जाना तगारी थले रख दे तू पागल पानी नहीं जा रहा कंगे नू कांडी समझी बैठा सही गल सिर सिमट कर दे नहीं नहीं ये तो नाई बन गया ना नाई 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 बन गया बंदा कहता वाला नू कलर ला दे ते उनू भा के कंगे ते कलर ला के दूरों मार रहा है एक नाई भी कट करवाउण भी आज शेर परस्त कर दंदा अगले अच्छा बाबा जी अंग्रेज उन्होंने कहे तुसी गल करनी अंग्रेज ना उन्हें कहा जी मैं कहा जी लंबड़दार तुसी घबराओ ना उन्हें कहा तीन बोर्ड तुहाडे कर कर गड्डियां भेजतीया मैं तुसी अंग्रेज ना मैनू गुफ्तगू करके दिखाउणी और दसना की कह रहे कह के की गया तर्जुमे जानू चांदे नू पैयो अंग्रेज ने भी पाकिस्तान बाहरले उनको खींच गया उनका किसी गांव में चलते हैं हाँ। किसी गांव में रैश करते हैं हम हमें ठंडी हवाएं आए कमरों में एसी में पागल हो गए हम लाभ हाँ। तो हमें को गांव अच्छा मिला हो जब मैनू मिले नंबरदारा ने मैनू बुला लिया उनका यार खान साहब साढ़े को रहा है पक्का बंदा है वो सानू तर्जमा करके बाद दस देगा अंग्रेज ने आने से मैं यस सर उनका मैं इन कमन सर मैं गाँव यस सर उनका बटन स्टार्ट हाँ 3:03 डन कहना गुड गुड मैं क्या स्मोकिंग है कहना कहना मैंने कई अरसे से स्मोकिंग पिया ही नहीं ओए मैं सिगरेट पीता ही नहीं मैं सिगरेट पीता मैं क्या मैं स्मोकिंग हुक्का पीता हूँ गांव में हाँ वो हूँ मैंने सच्ची इंग्लिश बोली जा रहा है मेरे को जो तर्जमे वाली जी झूठी इंग्लिश मैं उन्हें शुरू कर दी बट सर टाइम जी 3:03 डन जब जब मौका हो मैं क्या मैं कुछ भी करता हूँ आई लव यू जो प्रोग्राम मैं जाना मेरे म्यूजिशियन दिहाड़ियां ला लेंगे बाबा जी गल है कि तुसी बहुत सादे क्यों जे कि तुसी इन्नी मेहनत करते तुहाडे म्यूजिशियन लैंदे सिगरट तुसी ओ रखे ने जिहड़े नाल वेलो तुहाडे वालां दे गल्लां करी जा रहा उहनूं इह नहीं पता कि यार 10 लाख बंदा वेख रहा ते मैं उस्ताद आ ते मैं इहनूं की गल करां ओ हुण की राज मैं उहदा उहदे अंदर मैं सीमट नहीं ना कट सकदा गल समझ लो हां तुसी मेरे अंदर सीमट नहीं कट सकदे ते मैं तुहाडे सिर च जूआ नहीं कट सकदा लै गल उहदे उहदा मकाई जूआ ते होया है हुण मैं किहड़ा फनकार बना दिया इहनूं दस्सो ना बाबा जी ओ हाथी रंग हो जाएगा हाथी भी कोई केड़ी चीज नहीं हो सकती नहीं वैसे ही जद एडी बड़ी बिल्डिंग प्लास्टर हो सकती है हाथी भी रंग हो सकता है अच्छा तुसी गल की कर रहे थे गल नहीं कर रहे थे तुसी उन्हें क्यों छेड़ते बाबा जी यार रंग दा अगर काम करदे च को मेणा वा जन साहब को मैं गलत गल कह रहा हाथी कौन रंग करता यार कल बाबा जी ने दो ऑर्डर चकाए ने केड़े 40-40 हजार वेठ जेड़ी सी ना सुक्की रंग करके दित्ती है हां इन्होंने अच्छी चलाए ने ओदे विच सीमेंट मिक्स करके ठोक दता है बाबा जी यह बंदा तुहानू ना नहीं टिकन दे रहा हर गल च तुहानू ये ना डिस्टर्ब कर रहा है करी जावे मैं मेरी सेहत तचरी कोई नहीं को मैंने पता लग गया कि सीमट था बैठा तुसी रोकदे नहीं ना तदी भूए चढ़ी जांदा मैंने यही पर इहने कोई 5-7 बिल्डिंगां दा नाश्ता कर लिया ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਸਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਬੂਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ
रोज नौ कटन आला मुके हाथ दस्ताना चार कपल असर करी है जो मैं फुल इंग्लिश बोली जीप तो थले आ गया जीप तो थले आ गया कुटन ही लापया बाबा जी वो कुटन ही लापया वो कहता को राज दसो मैं की करना कहता टायर वेल्डिंग करना अंग्रेज ने हेलो मिस्टर जी गाड़ी को प्लस्तर कर दो मैंने छने ड्राइवर प्लस्तर कर दो प्लस्तर स्टेयरिंग जाम ना हिलन जोगा ना मस्त What's the time? 3:03 done. I love you. I love you too, Baba Ji. क्या कह रहे बाबा जी जब मैं 15 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की थी अंग्रेजी जीप तो थले आ गया उनका वुड हमारे मुताबिक जवाब आप दे रहे जिमीदार मैं और जिमीदार तो भी दाद ली अरे कहते क्या कहने साहब सुभान अल्लाह लेकिन एक सानू वो खिंच गया मैं उन्हें झूठी इंग्लिश बोली उन्हें खिंचे ने मेरे चपेट मार दी थी ठा मारी मैं रिजेक्शन दिता चपेट का फौरन जीप खिंच के जीप दिला के रो गया नंबरदार कठे हो गए सारे पिंड यार साडे खान साहब थप्पड़ मार के चला गया अंग्रेज एडी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी तुम खान साहब सानू दसो तर्जमा करके कह के की गया मैं कहा मेरे को ना ही पूछो हाँ नहीं तो सानू दसो सानू तुहाड़े थप्पड़ दा नाराज होया है कि तुहाड़े थप्पड़ मारे है क्यों मैं कहा सुनना चाहते हो आखे आहो मैं को ये गल कह गया भी एडी सोहनी इंग्लिश बोलना रन्ना माड़े एडे पिंड च ओए दौर ए कह के गया मैं को ये कह गया तू एडी अच्छी अंग्रेज बोल के माड़े पिंड रहना नहीं चाहिए तो हाँ इन लोगों को पता और उस अंग्रेज दे थप्पड़ दा बाबा जी ने बहुत फायदा होया हाँ भी अंग्रेज ने मारिया थप्पड़ इधरों बाबा जी डिगे इधर इधर भी जुमा निकल गई है उन्हें इधरों थप्पड़ मारिया बाबा जी इधर डिगे इधर भी जुमा डिग गई है दो थप्पड़ा च बाबा जी का सिर जुमा तो हौला हो गया आ गल है जिन्नी जुआ थले डिगी इन्हें कांडी फट के प्लस्टर कर बाबा जी बंदा मैनू ना ताड़े लई ठीक नहीं लग रहा यह ताड़ी सेहत लई ना एक एक सही नहीं है बंदा हूँ मैं की कर रहा मैं तुसी शगिर्द बदल लो मैं तो हूँ मैं तो बथेरी बारी बदले यही नहीं बदलिया जाता उत्थे दरखास्त दियो जाके ना उन्होंने कहा जी आ मैं दरखास्त लिखो मेरा शगिर्द बदल दियो नहीं मैं हूँ मेरी बिल्डिंग ही एडी वड्डी देनी जिथों आ ही ना सके 24 घंटे राजगिरी ओ यार एडा बेसब्र आया इहनू एक मकान वाले ने ठेका दिता कहिंदा यार मैं इट्टां स्टालियां बस शुरू करना है मैनू प्लस्तर ना कर लो जी मच्छर प्लस्तर कर दिता कल बाबा जी ने सिर च जू फड़ी इंज लगा भी मौका कट के रखे इंज ही है छीमण दा कैंकर सी मच्छर तो चालू हो गया क्यों जी कहना राज ही बहुत वड्डा उत्ते नूं कांडी मारदा सी उत्थे जाम हो जांदे लो जी नागरिन अपना ख्याल रखो फिर अगले प्रोग्राम तुहाडा मुलाकात होएगी बाबा जी का बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया बाबा जी ना मुलाकात करके मजा आउंदा सारी रात असीं बैठे रहिए ना ते बाबा जी दे नाल इदां ही मजा आई जाणा ते लेकिन मैं कहना सर्दी हैगी है ते ये हुण घर पहुंचण रजाई च जाण निग दे विच ते फिर किस दिन इंशाल्लाह इन्हां नूं दोबारा बुलावांगे और कल्ले नूं बुलावांगे आ नाल मैं शगिर्द नहीं बुलाउणा ये बहुत काम खराब करता हर गल ते रोकदा बाबा जी नूं ठीक है जी अपना ख्याल रखो नाज़रीन अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होएगी रब रखा जी।